छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज और बलौदा बाजार जांच समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैज ने कहा कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं और राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक 7 महीने में 200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, जो दर्शाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर है। वहीं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात बेहद खराब है। राज्य में मलेरिया से लोग मर रहे हैं। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। उन्होंने आगे कहा कि रायपुर के मेकारा अस्पताल में 50 करोड़ रुपए की मशीन बेकार पड़ी है। भाजपा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर है और कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस 24 को विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। बस्तर सरपंच में आदिवासी मलेरिया और डायरिया से मर रहे हैं। आदरणीय साथियों, 7 महीने की साई सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था खस्ता हाल हो गई है। साथ ही साथ महामई राजधानी में गोलीबारी की बढ़ती घटनाएं, अंतर्राज्यीय गैंगस्टर राज्य में पैर पसार रहे हैं। सरकार मुख दर्शक बनी हुई है। 200 से अधिक हत्याएं, चाकूबाजी, लूट, डकैती, चैन स्नेचिंग की अनगिनत घटनाएं हो चुकी है। सरकार आम आदमी की रक्षा नहीं कर पा रही है। सुदृढ़ता के साथ छोटी बीमारियों का इलाज भी साई सरकार नहीं दे पा रही है।